जैसे किसी का रूम टूटेगा यही मतलब कोई बच्चा गिरेगा ये ऐसे लगता था। हमने पूछ रहा हूँ तो इसे डर के मत बोलिए, डरती तो नहीं है आप? नगर सेवक कभी दिखाई दिए यहाँ? नगर सेवक हमारे अच्छे सचिन देसाई। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर। लगातार वसई विरार महानगर पालिका के चुनावों की सरगर्मी के बीच में उद्घाटन और नारियल फोड़ना ये सब आम बात हो जाती है, लेकिन जब कोरोना काल के बाद में आपको या कोरोना काल के दरमियान आपको समय न मिला हो काम करने का, लेकिन उसके बाद अगर समय मिला है तो काम करने की उत्सुकता जब जागृत हुई है, आपने धरातल पर काम शुरू कर दिया है। इस समय मैं खड़ा हूँ वलाईपाड़ा के पास और आप पीछे एक नाला देख सकते हैं, जो नाला काफ़ी उसकी अव्यवस्था के कारण यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस बात को यहाँ के स्थानिक पूर्व नगर सेवक, मैं निवर्तमान नगर सेवक कहूँ तब भी ठीक रहेगा, सचिन देसाई को इस बात की भनक पड़ी। उन्होंने यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उसके बाद अब ये टेंडर पास हो चुका है और आज यहाँ पर नारियल फोड़ चुका है। यहाँ के स्थानीय आमदार क्षितिश ठाकुर, बहुजन विकास अघाड़ी के नेता, युवा कहे जाते हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने नारियल फोड़ा और तमाम लोग यहाँ महिलाएं और पुरुष उपस्थित हुए। सचिन देसाई स्वयं हमारे साथ उपस्थित हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, यहाँ की महिलाओं से और पुरुषों से ही बात करेंगे कि आखिर इनको समस्याएं कैसी थी। सचिन जी, किस तरीके से होता है ना कि एक जनप्रतिनिधि के नाते वो देखता है कि मेरी जनता परेशान है, आइए हम सड़क ठीक करवाते हैं, आइए हम नाला ठीक करवाते हैं, तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आपको क्या लगा कि यहाँ पर नाला बनना चाहिए? जब मैं 2015 में चुन के आया था तो यहाँ की समस्या थी पानी और लाइट की। आज 5 साल में मैं 25-50 साल तक पानी का और लाइट का समस्या यहाँ दूर हुई है और टप्पे टप्पे से काम होगा। आज मेरे को गर्व कहने के कि यहाँ मेरे माता बहन लोग के सहयोग से आज बड़ी बड़ी समस्या रहती है उसमें मेरे को सहयोग करते हैं और कुछ भी तकलीफ रहे तो जिस तब समय में जाता उनको समझाता हूँ तो वो समझ के और अच्छे तरीके से मेरे को सहयोग करते हैं। इस नाले की समस्या कितनी थी यहाँ की? इस नाले की समस्या ऐसी थी कि डर ये लगता था मेरे को कि जिस तरफ बारिश गिरती थी तो कोई घटना ना घड़े, किसी का रूम ना टूट जाए या कोई बच्चा उसमें दुर्घटना ना घड़े, इसलिए मैंने ये नाला यहाँ से लेके जगन्नाथ हॉस्पिटल वहाँ तक लिया था। लेकिन कोरोना काल में 6-7 करोड़ का टप्पा 3 टप्पे में करने का मेरे को आयुक्त ने बोले तो मेरे को, मैंने ये कहा कि जहाँ से गांव है वहाँ से लेके जहाँ तक बस्ती बने वहाँ तक मेरे को नाला करके दीजिए कि जिस तरह से यहाँ के गांव का घर के लिए या किसी का घर का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि तो यहाँ की जो जनता है ये गरीब है तो उनका घर का नुकसान हो के कुछ घटना ना घड़े, दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैंने ये टप्पा पहले गांव से लेके जहाँ तक बस्ती बने वहाँ तक एक नाला पहले पास करके लिया। अब इससे काफी जनता को राहत मिलेगी। यहाँ पर महिलाएं हैं उपस्थित, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या लगता है नाला बनना शुरू हो गया, कितनी उम्मीदें पूरी होती नजर आ? बहुत उम्मीद होगी ना। कितनी समस्या थी जब नाला नहीं था यहाँ पर, अब तो उद्घाटन हुआ है? जैसे किसी का रूम टूटेगा यही मतलब कोई बच्चा गिरेगा ये ऐसे लगता था, डर लगता था। और आज ये बन रहा है तो खुशी है? हाँ, तो खुशी है। क्या कहेंगी आप, कुछ कहेंगी इस नाला निर्माण के, क्या कहना है? मराठी में बोलिए। उस समय क्या आपको देखना पड़ा, पानी जब भरा जाता तो क्या समस्या हुआ, क्या समस्या थी? बहुत मराठी में बोलिए। बरबर नाला चांगला नाटी, क्या कहना है मैडम आपको? बनेगा तो इतनी उम्मीदें। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ के जो नगर सेवक वो ढंग से, इनके सामने पूछ रहा हूँ तो इसे डर के मत बोलिएगा, डरती तो नहीं है आप? बिना डर के बताइएगा, यहाँ पर जो नगर सेवक है वो काम करने वाले थे, अच्छा काम किया है उन्होंने, क्या लगता है इस नाला बनने से फायदा हो सकता है? चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, पुरुष उनसे बात करें, क्या लगता है? बहुत सारे जानवर निकलते हैं, बच्चे लोग भी डर रहता है, पानी निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, बन जाएगा तो पानी निकालते, अच्छा लगेगा। यहाँ के नगर सेवक कभी ध्यान दिए? अभी तो चुनाव आ गया, इस नारियल फोड़ रहे हमेशा, पर जिस तरह से है कि चुनाव के दरमियान दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं कि अभी दिखाई दे रहे हैं बाद में फिर गायब? मैं 2016 में यहाँ रूम लिया था तो खंभा भी नहीं था, तार भी नहीं था, उनके वजह से, उसके बाद उनकी वजह से होना शुरू हो गया। उसके बाद लाइट भी व्यवस्था हुआ, खंभा भी व्यवस्था हुआ। आप कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। नगर सेवक कभी दिखाई दिए? नगर सेवक हमारे अच्छे सचिन देसाई, उन लोग ने जब से आए जब से हमारे सब हाल कॉल कर रहे हैं। इस नाले के निर्माण से कितना वो सचिन देसाई ने सब कुछ किया है, अभी ठीक है, रिपीट करने का वो प्रयास कर रहे हैं। ये थे लोग और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर नाला बनना शुरू हुआ उससे फायदा है। आपको लगता नहीं कि पूरे वार्ड में बहुत सारे विकास काम करने पड़ते हैं, सड़क, नाला, ये सब चीजें बनाने जरूरी है?
चुनाव के दौरान नारियल फोड़ना, फिर आश्वासन देना, क्या लगता है सचिन देसाई ऐसा ही करते हैं चुनाव के दौरान आए बात की गायब? काम चुनाव से पहले हुआ था और कोविड के चलते थोड़ा सा काम रुका था, लेकिन जैसे ही कोविड का लाइट मतलब अपने काम करने का मौका मिला, दादा ने काम किया है। मैं समझता हूँ जो 50 साल में लाइट पानी गटर का सुविधा यहाँ नहीं हुआ था, दादा के माध्यम से ये 5-6 साल में सुविधा हुआ है यहाँ के जनता के लिए, चाहे यहाँ के रहवासी हो चाहे पर प्रांति हो, सबको सुविधा मिला है और दादा ने ये क्षेत्र में या अपने वार्ड में काम किया। सामने खड़े हैं इसलिए बोल रहे नहीं, मैं आपको बता दूँ, आपको बता दूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं फिलहाल में अभी एक महीना पहले बीजेपी में वार्ड अध्यक्ष छोड़ के दादा के साथ में काम, उनके काम की वजह से डर के वजह से काम करना, सचिन देसाई का काम बोलता है, इसके लिए मैं 7 साल वार्ड अध्यक्ष छोड़ के बीजेपी का साथ छोड़ के दादा के साथ आया हूँ। बीजेपी छोड़ के आया हूँ, यहाँ का वार्ड अध्यक्ष था मैं, काम देख के डर से नहीं। बहुत बढ़िया। तो जैसे लोग उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि डर नहीं, यहाँ काम है और काम के दृष्टिकोण से ही हम सचिन देसाई और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। अब देखना ये होगा ये नाले का उद्घाटन हुआ है, ये कब संपन्न होता है, जनता की उम्मीदें कब पूरी होती है और आने वाले समय महानगर पालिका के चुनाव में किसका आटंक कम। एंटी करप्शन न्यूज के लिए सचिन दीक्षित, नाला सुपारा।